अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑनलाइन सीखना डॉट कॉम की जानिब से मैं हूँ फैसल ज़मीर और इस क्लास में बात करेंगे जेक्यूरी सेलेक्टर पर के सेलेक्टर के बेसिकली होता क्या है और उसकी जो अकसाम है, ठीक है, उनको हम एक एक करके डिफ़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले ये मैंने कुछ सेलेक्टर लिखे हैं, ठीक है, जेक्यूरी के जो सेलेक्टर होते हैं, ठीक है। बेसिकली जेक्यूरी के सेलेक्टर वही सेलेक्टर होते हैं जो एचटीएमएल के एलिमेंट होते हैं, ठीक है, एलिमेंट होते हैं। और आपने कुछ सीएसएस में आपने पढ़े होंगे वो सेलेक्टर, ठीक है, तो उस तरीके से हम उन्हीं को हम यूज़ करते हैं एज ए सेलेक्टर जेक्यूरी में, ठीक है। तो सबसे पहले है सेलेक्टर है जेक्यूरी आईडी एंड क्लास सेलेक्टर। ये आपने पढ़ा है सीएसएस में कि आईडी क्या होते हैं, आईडी को हम शो करते हैं हैश के साथ थे, और जो क्लास होती है उसको हम डॉट से हम उसको शो करते हैं, ठीक है। सेलेक्टर जब हम उनको हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो क्लास का नाम अगर है माई क्लास तो आप क्या लिखेंगे, डॉट और माई क्लास, और आईडी का नाम है जस्ट लिख रहे हैं ड्यू, ठीक है, तो ड्यू जो है उसका जगह आईडी का नाम है, तो आपने सबसे पहले क्या लिखना होता है हैश और उसके बाद ड्यू और उसके बाद इस तरह क्लास जो है क्लास इस सिंटैक्स में लिखनी होती है, ठीक है। तो ये एक सेलेक्टर है। उसके बाद एलिमेंट सेलेक्टर, एलिमेंट सेलेक्टर जो होता है जिस तरह एच वन हो गया, ये भी एक एलिमेंट है, ठीक है, पैराग्राफ हो गया, इमेज हो गया, ठीक है। तो इस किस्म के जो एलिमेंट हैं, ठीक है, ये एक टैग है ना, टैग है या एलिमेंट है, ठीक है, तो इनको भी हम यूज़ करते हैं एज ए जेक्यूरी एलिमेंट सेलेक्टर, ठीक है। उसके बाद होता है दिस सेलेक्टर, ठीक है, दिस सेलेक्टर पर भी हम बात करेंगे दिस सेलेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो उसके बाद है जेक्यूरी इवन और ऑड सेलेक्टर, ठीक है, अगर आपके पास एक लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट है कि उसमें बहुत ज़्यादा आइटम्स है ना, ठीक है, 20 आइटम्स हैं, आप उनको सेलेक्ट करना चाहते हैं कि जो इवन इवन है, ठीक है, जिस तरह 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10, ठीक है, ये जो इवन है सेलेक्टर उनको हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, ऑड को कैसे सेलेक्ट करेंगे, जिस तरह 1 हो गया, 3, 5, 7, ठीक है, इस तरह हम उसको कैसे सेलेक्ट करेंगे ऑड को, ठीक है। और इसके बाद है लास्ट और फर्स्ट सेलेक्टर, जिस तरह ये 20 मैंने आपको एग्जाम्पल थी कि 20 आपके पास एक लिस्ट है जिसमें 20 आइटम है, ठीक है, तो लास्ट को आप कैसे सेलेक्ट करेंगे और फर्स्ट को आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद है nth नंबर, ठीक है, अगर आपके पास इस तरह 20 हैं, 20 आइटम्स हैं, ठीक है, लिस्ट में, तो आपने फोर्थ वाली को आपने सेलेक्ट करना है या टेंथ वाली को सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो आप कैसे उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, या जस्ट आपने उसका नंबर देना होता है, ठीक है, तो इंडेक्स नंबर जो होता है, ठीक है, आपने देना होता है, उसके बाद आपने उस पर अप्लाई करना होता है, ठीक है। और उसके बाद होता है हेडर सेलेक्टर, हेडर सेलेक्टर वो होते हैं कि जिस तरह एच वन हो गया, ठीक है, एच टू हो गया, एच थ्री, एच सिक्स तक, इसको हम हेडर सेलेक्टर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है जेक्यूरी नॉट सेलेक्टर, ठीक है, इस पर भी हम बात करेंगे जेक्यूरी नॉट सेलेक्टर क्या होता है कि आप सब पर जो बहुत ज़्यादा हमारे डिवीजन है, ठीक है, जो क्लासेस हैं या आई डीज हैं, ठीक है, तो उन पर हम सब पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, कोई उस पर इफेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि एक ऐसी डिवीजन, ठीक है, ऐसी क्लास है या ऐसी जो आईडी है, ठीक, उस पर हम अप्लाई नहीं करना चाहते, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्या नॉट सेलेक्टर उसके लिए हम यूज़ करेंगे। और उसके बाद है यूनिवर्सल सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर जो होता है आपने सीएसएस में पढ़ा होगा, जिसको हम जाहिर करते हैं इस स्टार से, ठीक है, और उसके बाद ये जो यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है ये अप्लाई कर देता है जितने भी बॉडी में जितने भी एलिमेंट होते हैं, ठीक है, जितने भी ये ऊपर वाले सेलेक्टर होते हैं इन सब पर वो अप्लाई कर देता है, ठीक है, जो यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है, ठीक है। तो ये था सेलेक्टर पर हमने बात की, तो इस पर अलग-अलग हम एक वीडियो बनाएंगे और आपको वो करके दिखाएंगे कैसे हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में हम बात करेंगे। थैंक्स टू वॉच।